दुखद बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से सांबा से सामने आ रही है। यहां पर आपको बता दे चले कि रिसेप्शन में जा रहे एक दुल्हे की जो है वो दर्दनाक सड़क हादसे में मौके पर जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के सांबा में खुशियां तब मातम में बदल गई जब एक दूल्हा अपनी शादी के एक दिन बाद जो है वो अपने रिसेप्शन में जा रहा था, लेकिन ऐसे में एक जिस कार में वो सवार था वो कार जो है वो एक ट्राले के साथ जा टकराई है और जिसके नतीजे में दूल्हे की मौके पर जान चली गई है। आपको बता दें चले कि दूल्हा दुनिया से हमेशा के लिए जो है वो चला गया है, लेकिन बता दें कि सांबा में एक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई है। ये घटना जो है वो रात के लगभग 8:30 बजे के करीब हुई है और सांबा के नानकेचक गांव के पास जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अचानक जो है पलट गया और एक कार उसकी चपेट में आ गई और इसी कार में वो लड़का बैठा था जिसकी शादी जो है वो एक दिन पहले हुई थी, लेकिन ऐसे में दूसरे दिन वो रिसेप्शन में जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से वो जो है वो रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाएंगे और रास्ते में ही जो है वो उनकी कार एक ट्रक के साथ जो है वो सड़क हादसे का शिकार हो जाएगी तो उसमें जो है वो जान चले जाएगी। काफी दुखद रहता है जब इस तरह के सड़क हादसे जो है वो पेश आते हैं, लेकिन काफी दुखद है कि किस तरह से ये एक दूल्हा जो कि अपने रिसेप्शन पर जो है वो नहीं पहुंच पाया। और जानकारी के मुताबिक सांबा में जो कार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें दो लोग बैठे हुए थे और बताया जा रहा है कि कार में एक कार में जो है वो ये 27 साल का रोमी और 28 साल का सुशील कुमार बैठा हुआ था। आपको बता दें कि सुशील कुमार की शादी जो है वो एक दिन पहले हुई थी और रिसेप्शन के लिए वो जा रहे थे। सबसे पहले उसने पार्लर से जो है अपनी पत्नी को वहां से लेना था ताकि वो रिसेप्शन में पहुंच सके, लेकिन ऐसे में काफी दुखद रहा कि किस तरह से क्रेन से जो है वो इनकी बॉडी को यहां से जो है वो निकाला जा रहा है। और आपको बताते चले कि रिसेप्शन के लिए जब ये दोनों सांबा जा रहे थे तो अचानक एक्सीडेंट हो गया और सांबा पुलिस की बात करें तो वो भी मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से दोनों के शवों को फिलहाल कार से बाहर निकाला गया है, क्योंकि काफी बड़ा ये डेंजरस एक्सीडेंट देखने को मिला है जिसमें ये कहें कि नई नवेली दुल्हन पर जो है वो किस तरह से ये दुखों का पहाड़ टूटा है जो शायद ही किसी ने जो है वो अपने आप में सोचा नहीं होगा। सबसे शॉकिंग तो ये है कि इस लड़की से उसकी शादी हुई थी उसका इंतजार शायद अब जिंदगी भर जो है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि वह रिसेप्शन के लिए अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी और तभी एक्सीडेंट की खबर आती है और उसका जैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। नैनवेली दुल्हन बनी लड़की का पति की मौत की खबर सुनने के बाद रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में उसके लिए ये एक सदमे जैसा है, क्योंकि लड़का लड़की और लड़की दोनों के घर मातम पसर गया है और कहां एक दिन पहले ही शादी के चलते जो घर में खुशियां भरी थी लेकिन रिश्तेदारों घर वालों की चहल पहल की आवाज हर तरफ थी, लेकिन ऐसे में जब ये खबर सुनने को मिली तो वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से सन्नाटा छा गया और परिवार में इसमें जो है वो मातम का माहौल और नई नवेली दुल्हन लड़की थी उस पर जो है वो किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा होगा और उसने क्या कभी मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई खबर जो है सुनने को मिलेगी। फिलहाल ओम शांति जरूर लिखे, दुआ करें कि सुशील कुमार जी की आत्मा को शांति मिले। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून जय हिंद। पैलेस की तरह रवाना हुए थे कि अचानक इस एक्शन के चपेट में वो आ जाते हैं। जहां आपको बता दूं जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि दो लोगों की मृत्यु हुई है, दूल्हे की और उसके दोस्त की। अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल पा रही है दो